गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं पैसिव वॉइस पार्ट टू। ठीक है, पार्ट वन में हमने सीखा था कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है। अब आगे हम सेंटेंस बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा हमें अच्छे से कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो पार्ट टू में हम सीख रहे हैं स्पेशली इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, पैसिव वॉइस ऑफ इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हमने लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, देन पास्ट इंडेफिनिट एंड देन फ्यूचर इंडेफिनिट। उस पार्ट में आपको बताया गया था कि पैसिव वॉइस हमेशा बी की किसी न किसी फॉर्म से बनता है। तो देखिए, यहां पर इज एम आर, वॉज वर और विल बी शैल बी, तीनों बी की फॉर्म का यूज हो रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल या शैल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस देखते हैं, पहला सेंटेंस है मैं पत्र लिखता हूं। देखिए, ये एक्टिव वॉइस है, यहां लिखा हुआ ए वी मतलब एक्टिव वॉइस। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद एक्टिव होकर कोई काम करता है तो हम उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो मैं पत्र लिख रहा हूं तो मैं खुद एक्टिव हूं। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे हिंदी में तो बनेगा पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। तो हमारी मेन वर्ब के पास जाना शब्द आ गया, जो कि आपके पॉइंट्स में लिखवाया गया था कि वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद हमेशा जाना शब्द का यूज होता है, और मेरे द्वारा, सेंटेंस में द्वारा शब्द का यूज होता है। और अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ें कि पत्र लिखा जाता है, तो इसमें हमने द्वारा शब्द को हटाया हुआ है। यानी कि जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके सेंटेंस में द्वारा शब्द आएगा ही आएगा। सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है पत्र लिखा जाता है, यानी कि काम करने वाला यहां पर जो डूअर है यहां पर वो नहीं है। ये भी आपके पॉइंट्स में लिखवाया गया था कि जो पैसिव वॉइस होता है उसमें कभी कभी काम करने वाला नहीं होता, अगर होता है तो वो द्वारा शब्द के साथ होता है। ठीक है, तो पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, इस सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो इस रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। सबसे पहले हमने लगाया सब्जेक्ट अ लेटर, इज एम आर, लेटर हमारा सिंगुलर नाउन है तो इज आ गया, अ लेटर इज, देन वी यूज्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन, अ लेटर इज रिटन बाय मी, बाय मी मतलब मेरे द्वारा। ठीक है, अब एक सवाल यहां पे छोटा सा ये उठता है कि सब्जेक्ट को निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, काम करने वाला। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट काम करने वाला नहीं होता। यहां पर देखते हैं, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होता है जिस वस्तु या व्यक्ति पर काम किया जाता है। यानी कि हमारे सेंटेंस में हमें देखना पड़ेगा काम किस पर किया जा रहा है। अब लिखने का काम पत्र के ऊपर हो रहा है, पत्र को लिखा जा रहा है ना, तो वो हमारा सब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में हमेशा ध्यान रखें कि जिस वस्तु या व्यक्ति पर काम किया जा रहा है उसे आप सब्जेक्ट की जगह दें, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करें। अ लेटर इज रिटन बाय मी, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। सेकेंड एग्जाम्पल, मैंने पत्र लिखा, हमने इसी को पास्ट में बना दिया, मैं पत्र लिखता हूं का हमने पास्ट इंडेफिनिट बनाया, मैंने पत्र लिखा। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। अगेन यहां पर देखिए आप, हमारी मेन वर्ब है लिखना और उसके बाद गया शब्द आ गया, जो कि आपको पॉइंट में लिखवाया गया है कि वर्ब के साथ जाता है, गया, जाएगा जैसे शब्द आपको दिखाई देंगे। और पत्र लिखा गया, इस सेंटेंस में हमने मेरे द्वारा शब्द को हटाया है, यानी कि डूअर को हटाया है। तो ये क्लियर होता जा रहा है कि कभी कभी पैसिव वॉइस में डूअर नहीं होता, अगर होता है तो मेरे द्वारा शब्द के साथ लगा होता है। आइए सेंटेंस बनाते हैं, पत्र हमारा सब्जेक्ट है, अ लेटर, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस का रूल चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट का, तो हम वॉज वर लेंगे, अ लेटर वॉज, उसके बाद थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी, बाय मी मतलब मेरे द्वारा। अगर आपको इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है पत्र लिखा गया, तो आपको सिर्फ इसमें से बाय मी हटाना है, क्योंकि दोनों सेंटेंस में छोटा सा फर्क है, मेरे द्वारा यहां पर नहीं लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है। तो ये मेरे द्वारा अगर हम हटा देंगे तो अ लेटर वॉज रिटन इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी, और अ लेटर वॉज रिटन बाय मी इसकी ट्रांसलेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। मैं पत्र लिखूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट गागेगी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाएगा, पैसिव वॉइस, मेन वर्ब के बाद जाना आ गया और सेंटेंस में द्वारा भी आया हुआ है,
और यहाँ पर सेंटेंस में डूअर नहीं रखा गया है, पत्र लिखा जाएगा। ये दोनों ही पैसिव वॉइस हैं, ये भी पैसिव वॉइस है, ये भी पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस में जो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है उसमें विल शैल के बाद हम बी का प्रयोग करते हैं। तो अ लेटर हमारा सब्जेक्ट चल रहा है ऑलरेडी, लेटर के बाद हमने विल लगाया क्योंकि आई और वी के साथ हम शैल का यूज ज्यादा करते हैं। तो अ लेटर विल बी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ लेटर विल बी रिटर्न बाय मी। अगेन अगर हम इसमें से डूअर हटा देते हैं तो हमें बाय मी हटाना पड़ेगा, अ लेटर विल बी रिटर्न, पत्र लिखा जाएगा। ठीक है, जब भी आप पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाए तो ध्यान रखें कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ध्यान से निकालें। यहां पर स्टूडेंट से बहुत गलती होती है, सब्जेक्ट हमेशा उसी को बनाए जिस वस्तु या व्यक्ति पर काम किया जाता है, और मेन ऑब्जेक्ट उसे बनाए जिसके द्वारा काम किया जाता है। जैसे कि यहां पर बाय मी आया मेरे द्वारा, यहां पर बाय मी आया मेरे द्वारा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नई जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।